कहाँ है? पहाड़ पे बना एक छोटा सा मंदिर, बल्कि ये मंदिर जो है पहले गुफा था और बाद में, फिलहाल जो है इस पहाड़ पे चढ़ने की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ आके अब सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं और इसके बाद जो हम लोग हैं, क्योंकि मंदिर देख रहे हैं, ये पहले कभी गुफा हुआ करता था और अब जाके ये इसे नमस्कार, मैं अभिजीत सानू सिंह स्वागत करता हूं सभी का न्यूज़ वॉर में। दोस्तों दरअसल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिहार के मुंगेर जिला के धरहरा प्रखंड में और यहां है पहाड़ पे बना एक छोटा सा मंदिर, बल्कि ये मंदिर जो है पहले गुफा था और बाद में मंदिर बना दिया गया। फिलहाल जो है इसके आगे के बारे में हम अपने सफर में डिस्कशन करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां से और चलते हैं अपने उस मुकाम पे जहां हम लोग जाने वाले हैं। फिलहाल जो ये इस पॉइंट का जो लोकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से लिंक को देख के आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए आगे की शुरुआत को शुरुआत करते हैं और जाते हैं अपने मुकाम पर। फिलहाल जो है इस पहाड़ पे चढ़ने की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है काफ़ी दूर तक, तो जहाँ तक भी ये सीढ़ियाँ बनी हुई है वहाँ तक हम पैदल जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर ऊपर का कैसा नज़ारा है, क्या दिखता है। इसके एक पूरा खड़ा पहाड़ है ये और जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, देख सकते हैं सीढ़ियों के माध्यम से हम लोग अब ऊपर की ओर चलते जा रहे हैं। यहाँ आके अब सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं और इसके बाद जो हम लोग हैं इस तरह से पहाड़ों में चढ़ते हैं, उसी स्थिति में ही अब ऊपर की ओर हम जाना पड़ेगा और हम चलते हैं ऊपर। और जैसा कि हम लोग अब ऊपर पहुंच चुके हैं और ऊपर का जो नज़ारा है काफ़ी ही बेहतरीन, काफ़ी ही अच्छा दिखता है। आखिरकार हम लोग पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां ये मंदिर बना हुआ है। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये मंदिर देख रहे हैं, ये पहले कभी गुफा हुआ करता था और अब जाके ये इसे यहाँ के ग्रामीणों द्वारा इसे मंदिर में तब्दील किया गया और काफ़ी सुंदर तरीके से, काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस मंदिर को देख सकते हैं पेंट किया गया और ऊपर से जो नज़ारा आपको दिखता है ये वाकई देखने लायक चीज़ है। देख सकते हैं नीचे का जो नज़ारा है बिल्कुल ही पूरा का पूरा गांव आपको नज़र आएगा यहाँ से, देख सकते हैं पूरा का पूरा गाँव है। इस वक्त बारिश का माहौल है और बारिश की वजह से धान की खेती हो रही है और जगह जगह आपको खेतों के बीच में पानी भरा हुआ मिलेगा और दूर का तक जहाँ नज़र आपको कैमरे पे जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वो है गंगा। ये पूरा गंगा पहले कभी बारिश से पहले ये यहाँ पे पूरा दियारा का क्षेत्र था और जहाँ पे गेहूं की खेती होती थी, लेकिन बारिश की वजह से जो पीछे का नज़ारा देख रहे हैं वो पूरा पानी से भर चुका है, क्योंकि ये हर साल ये 3 महीने जो है पानी से डूबा रहता है। और यहाँ से देखने के बाद वाकई पूरा का पूरा गाँव आपको नज़र आएगा काफ़ी। तो
जैसा कि दोस्तों हम लोग ऊपर पहुंचे और ऊपर पहुंचने के बाद हम लोगों ने आपको इस मंदिर का नज़ारा दिखाया और इसके बारे में जो भी बातें थी वो सारी बातें हमने आपसे शेयर की। फिलहाल आप भी अगर यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, जिससे कि इसकी लोकेशन को हम लोगों ने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डिटेल में डाल दिया है, तो आप अगर आना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, फिलहाल जो नीचे हैं वो सवालाख बाबा हैं और ऊपर आने के बाद मोहन बाबा के नाम से इस मंदिर को बनाया गया है। और फिलहाल जो है वो काम अभी लगातार चल रहा है, क्योंकि वन विभाग के रोकने के वजह से काम जो है धीमा पड़ गया था, लेकिन काम जो है वो धीरे चल रहा है और आने वाले समय में ये मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और वाकई इसके बनने के बाद एक पर्यटक स्थल के रूप में सामने आएगा। फिलहाल इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़।